किरदार है आपका इसमें? मैं इसमें हीरो के फादर का रोल प्ले कर रहा हूँ। किस तरह की मूवी है ये? बहुत अच्छी मूवी है, फैमिली मूवी है और हर वर्ग को देखने वाली ये मूवी है। तो इसमें एस्पिरेशन है एक फादर की, जो एक सपने देखता है तो वो सपने उसके पूरे नहीं होते, वो सपने जो है वो फिर अपने बच्चे में देखता है, तो बाद में फिर अपने बेटे को साकार करता है, उस पर अपने सपने अपने बेटे में साकार करता है। फैमिली मूवी है, फादर सन स्टोरी है, एक फादर का स्ट्रगल है, वो पहले जैसे ही वांटेड टू बी एन एक्टर, एक्टर बनना चाहते हैं बट वो नहीं सक्सीड कर, देन ही वो अपने बेटे को देखते हैं कि ये एक्टर बने, सो द बॉय डजंट वांट टू बी एन एक्टर, सो वो कैसे उसको एक्टर बनाते हैं, इट इज़ ऑल अबाउट दैट। इसमें मेरा बहुत ही सिंपल सा किरदार है, जो एक सिंपल रोमांटिक जो कपल होता है, बस मेरा उसी में मेन ये है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ कॉलेज की, जो रोहन के साथ इन्वॉल्व होती है, उसके हर काम में उसका साथ देती है, जो सिंपल सी क्यूट सी लव स्टोरी है इसमें। किस तरह का म्यूजिक है ये? इस मूवी में दो ट्रैक तो रोमांटिक है और इसके अलावा एक मोटिवेशनल सॉन्ग है जो मूवी को होल्ड करता है, जो पूरे मतलब बैकग्राउंड एक तरह से स्टोरी का पार्ट है, वो और एक आइटम सॉन्ग है। किसने गाए थे गाने? ये जो एक रोमांटिक ट्रैक है वो तो अपना अल्तमश फरीदी और मंजर गंगुली ने गाया, और दूसरा रोमांटिक ट्रैक है वो मोहम्मद इरफान और रूपरेखा बैनर्जी ने गाया, और जो तीसरा जो आइटम सॉन्ग है वो मंजर गंगुली ने गाया, और चौथा सॉन्ग है जो मोटिवेशनल सॉन्ग है वो गाया है अपना कमल खान ने। रेहान इस फिल्म में मुंबई ड्रीम में आपने गाना गाया, किस तरह का एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा रहा, माशाल्लाह से बहुत अच्छा गाना है, और जैसा कि नाम है मुंबई ड्रीम, तो मेरा ड्रीम था कि मैं प्लेबैक सिंगिंग करूं, और बहुत अच्छा लगा फैज सर ने मेरा साथ दिया, और मैं फरजान फैज के अंडर डायरेक्शन में मगर ने गाना गाया, बहुत अच्छा गाना है। इस फिल्म की बात करें आप एज ए डायरेक्टर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की आपको देखने से अच्छा लगेगा कि कोई भी इसको फिल्म को देख सकता है, आपको फैमिली के साथ आप इस फिल्म को दिखा सकते हैं। और बात करें इस मूवी में आपने सब नए नए लड़के लड़के को लिया है, तो क्या कहना चाहेंगे, नए लड़के इतने सक्सेस है मार्केट में आज? नहीं, वो ज़रूरी था, असल में हमारी ये स्टोरी ऐसी थी कि हम किसी स्टार को लेते तो उस पर वो अटली नए लोगों को इसलिए हमारी ज़रूरत था, कहीं ना कहीं हमको क्या स्टार्स के साथ स्टार्स भी हमको मिल ले सकते थे, पहले भाई काफ़ी बड़े तो स्टार्स को भी ले सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि हमने कहानी का क्या क्या ऐसा होता है अक्सर रियल स्टोरी पे आधारित है, ऐसा होता है मुंबई ड्रीम में? हाँ ऐसा है, कहीं ना कहीं हर इंसान की कहानी है, मैंने भी लगता है कि हर देखिए इंडिया में हमारे देश में जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं इंडायरेक्टली एक बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई किसी का बेटा सिंगर बनना चाहता है, किसी का बेटा एक्टर बनना चाहता है, किसी का बेटा म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहता है, कोई राइटर बनना चाहता है, तो सबका अलग अलग एंगल है, हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर परिवार बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है, तो ये ऐसी कहानी है कि जिस जो अपने बच्चों को अपना एम सेट कर सकते हैं, आप एम सेट कर सकते हैं, आपका कोई एम नहीं है किसी बच्चे का, आपका क्या ये बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि उनको करना क्या लाइक स्टोरी किसी से मैच नहीं करती। हमारी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको पता नहीं, आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि अगले सीन में क्या होने वाला है, इसके आगे क्या होने वाला है, और आपको पूरी फिल्म ऐसी ही बैठ के निकल जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा कि कहीं आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ऐसा लगेगा ही। स्ट्रगल की कहानी है क्योंकि मुंबई जो ड्रीम है, स्ट्रगल नहीं कहूँगा, ऑडिशन जो होते हैं जैसे आदर्श का टाइम नहीं, ऐसी कोई नहीं, देखिए ऐसा है बॉलीवुड बेस जरूर है लेकिन हर एक चीज़ का एंगल अलग हो सकता है, स्ट्रगल की कहानी नहीं, उसको पॉजिटिव में कहता हूँ कि एक इंसान एक लाइन में, अगर एक लाइन में स्टोरी क्या है, एक लाइन में स्टोरी है कि एक इंसान सक्सेस होना चाहता है और वो हो जाता है, ये स्टोरी तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। स्कूल में किस तरह किरदार है आपका? मेरा कैरेक्टर जो है वो एक मॉडल का है और काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है, बट थोड़ा सस्पेंस पे है, जो कि आप लोग देखेंगे तो ही आप लोग को मालूम होगा। क्या सस्पेंस एक लाइन बनाने के लिए एक मॉडल का क्या कैरेक्टर होता है? आपके साथ में और कैसी केमिस्ट्री सबके साथ में? ये सारी टीम के साथ बहुत अच्छा लगा वर्क करके, और मैं ऑलरेडी इनके साथ पहले भी वर्क कर चुकी हूँ, मूवी कर चुकी हूँ,
लव के फंड में, और बाकी दो मूवियाँ और हैं जो कि मैं इन लोग के साथ, इस टीम के साथ ऑलरेडी कर रही हूँ। उन मूवी का नाम थोड़ा सा अभी सस्पेंस पे अगर रखेंगे तो इससे बेटर। आपका सपना पूरा हुआ? मेरा सपना, हाँ मेरा सपना पूरा हुआ है। और मैं ऑलरेडी वीडियोकॉन के साथ अभी तक टाई अप वीडियो एडिट पे थी, मैं ऑलरेडी मॉडल रह चुकी हूँ 3 ईयर्स से। क्या कहना चाहेंगे? और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छी मूवी है और आप लोग भी पसंद करेंगे ये मूवी को, और इस मूवी की सारी टीम जो है वो बहुत अच्छी है और सारे लोग बहुत हेल्पिंग हैं, जो कि एक दूसरे को बहुत हेल्प किए। और ये अगर आप अभी तो इससे पोस्टर रिलीज़ हुआ है, बाकी चीज़ें अभी धीरे धीरे आएंगी जो कि आप लोग कॉलेज में।